गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो। यस, आज मैं कोई ब्लॉग या ऐसा कुछ स्पेशल शेयर नहीं करने जा रही हूँ। आज मैं ऐसा कुछ शेयर करने जा रही हूँ जो शायद किसी एक बंदे को सुधार दे, किसी एक। मैंने हो सकता है कई सारे यूट्यूबर्स नहीं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा हो, बट मैंने ये फर्स्ट टाइम जैसे देखा तो मैं सच में इमोशनल हुई और मुझे लगा ये आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो हो सकता है आप लोगों के देखने से कोई एक बंदा सुधर जाए, तो एक सुधरने से बहुत कुछ बदल सकता है। ये वीडियो मैं टैनी के बारे में बहुत सोच रही थी कि टैनी को कैसे रखेंगे हम लोग, कैसे सिखाएंगे, कैसे क्या होगा, कुछ क्या होगा, कैसे कैसे कैसे, बस यही दिमाग में घूमता रहता था। क्योंकि लड़की है, हमारे देश में लड़कियों को पैदा होते ही पहले ही पेट में मार देते हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को पेट में लड़कियाँ पता चलते ही मार देते हैं। ये वीडियो किसी के लिए ये नहीं है कि तुम ऐसे हो या ऐसे हो, नहीं। ये वीडियो मुझे पसंद आया, हो सकता है आपको पसंद आया और आप शेयर करो, और आपके शेयर करने से एक बंदा और सुधर जाए। मेरे शेयर करने से एक और आपके शेयर करने से एक, यानी कि दो बंदे। आज से मैं टैनी को नहीं सिखाऊंगी कि बेटा तुम्हें इनसे बचना है या उससे बचना है, उसको सिर्फ बेसिक चीज़ सिखाना है कि कोई यहाँ टच करे अच्छा है, यहाँ टच करे अच्छा है, यहाँ टच करे अच्छा नहीं है, यहाँ टच करे अच्छा नहीं है, यहाँ टच करे अच्छा, सिर्फ ये बेसिक चीज़। लेकिन भविष्य में मेरा बेटा होगा, कभी भी अगर हुआ तो, बता रही होगा मतलब क्या हुआ तो, या आप लोगों के भी बेटे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ अपने बेटों को ये सिखाइए कि किसी की माँ बेटी बहन की तरफ बुरी निगाह नहीं डालनी चाहिए, बेटियों को गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए। 8-8 महीने की बच्ची के रेप होते हैं, वो कपड़े ख़राब नहीं पहनती हैं, वो तो अभी दुनिया में जीना ही नहीं जानती है 8 महीने की। लोग बोलते हैं लड़कियों के कपड़ों से ख़राब होता है, लड़कियों के कपड़े के पहनने से रेप होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ गाइस, मेरी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और समझिए कि इस वीडियो में क्या बताया गया है और ऐसा क्या है जो मैं ये शेयर कर रही हूँ। और हो सकता है मे बी इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, इस वीडियो में कोई भी मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं है। ये वीडियो जस्ट आप लोगों से एक मन की बात, एक जो हमारे देश में घट रहा है, आए दिन रेप की न्यूज़ आती हैं, वो स्टॉप हो जाए। एक भी बंदा अगर सुधरता है ना, तो समझ लो बहुत कुछ बदल गया। एक बंदा सुधरने से, एक सुधरेगा तभी तो दूसरे को सुधारेगा ना, वो सुधरेगा फिर वो उसको सुधारेगा। तो प्लीज़ मेरी बात समझो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। फुल वॉच कीजिए, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ कीजिए मत कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए। लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद घूरते हैं, हमने कौन सा क्राइम कर दिया, अपने यहाँ
कहानी लाने की। मैं आप सबसे पूछता हूँ, रात को छोड़िए, क्या दिन में लड़कियां सुरक्षित है? बस, मेट्रो या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर जब कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, तब हम अपनी आंखें क्यों फेर लेते हैं? हम किसी लड़की औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये तो नहीं सोचते कि कोई हमारी माँ और बहन के ऊपर भी कमेंट पास कर सकता है। क्या छेड़ने वालों ने कभी ये सोचा है कि उनका एक मिनट का मनोरंजन किसी की मानसिकता पर फिजिकली और इमोशनली क्या असर डालता है? एक बार खुद को लड़कियों की जगह रख कर देखो, पता चल जाएगा कुछ न कर पाने की कसर क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का देने को तैयार क्यों नहीं है? एक बार सोच कर तो देखिए कि आदमियों के इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, कितना सहमती और कितना डरती है लड़कियां। छोटा सा छोटी सी आशा, किसी भी रिलेटिव या किसी भी पड़ोसी के बारे में आपसे कोई भी शिकायत करती है,